इस लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। वैसे ये जो है ये फोर्थ लेक्चर है और इससे पहले तीन लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं, तो पहले उन तीनों लेक्चर्स का एक रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि पहले तीन लेक्चर्स में हम क्या स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को स्टडी किया था कि जब लाइट आके किसी मेटल सरफेस पे पड़े और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। सेकंड थिंग जो हमने स्टडी की थी वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप से क्या मुराद है कि ये सारा जो सेटअप है इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप कहते हैं, और ये सर्किट डायग्राम जो है ये अगर आपको याद हो तो काफ़ी है वैसे, लेकिन उस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताई थी कि ये कैसे ये सारा सर्किट हम डिवेलप करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेव थ्योरी जो है उसके बारे में बताया था, ये बताया था कि वेव थ्योरी क्या प्रेडिक्शंस करती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से। उसमें एक चीज़ ये बताई थी कि अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए, चाहे फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे प्रेडिक्शन ये थी कि अगर इंटेंसिटी को आप कांस्टेंट रखें, फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाएं तो उससे करंट को इंक्रीज करना चाहिए। थर्ड प्रेडिक्शन ये थी कि जब लाइट आके किसी मेटल सरफेस पे फॉल करे तो फौरन से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा टाइम का गैप आएगा, इलेक्ट्रॉन को ने एनर्जी जमा करनी है वहाँ से मेटल सरफेस से और फिर निकलना है, तो इसके दरमियान सेकेंड्स में गैप होना चाहिए। असल वीडियो जो है मेरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैंने आपको बताना है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स जो हैं ये चार वेरिएबल्स हैं, ये दो और ये तीन और ये चार। इसमें जो लाइट के वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इन वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करना है, और उसके बाद मेरा ये काम होगा कि मैं इन दोनों को कंट्रोल करके इनका इफेक्ट देखूँगा इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर। तो इन दोनों वेरिएबल्स को स्टडी कैसे करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि वाइट लाइट का एक सोर्स लेते हैं, कोई ऐसा बल्ब ले लेते हैं जैसे एनर्जी सेवर होता है जो वाइट लाइट दे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस वाइट लाइट के रास्ते में आपने फिल्टर लगा देना है। वो फिल्टर जो है उसमें से उसी कलर की लाइट को आने देगा जो आपको रिक्वायर होगी। ये आपके सामने फिल्टर्स शो किए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये रेड फिल्टर है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। अगर आपको रेड कलर की लाइट चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, रेड फिल्टर लगाएंगे, जो लाइट इस फिल्टर में से गुजरेगी वो खुद ब खुद ही रेड हो जाएगी, यानी ये फिल्टर जो है रेड लाइट को गुजरने देगा, बाकी लाइट्स को ये स्टॉप कर देगा। इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, हमारे पास एक बॉक्स होगा, इसके अंदर हम वाइट लाइट का सोर्स रखेंगे, उसके बाद हम इसकी डिफरेंट वाल्स को कवर कर देंगे लकड़ी या कोई गत्ते के साथ, और उसके बाद सब वाल्स को कवर करने के बाद एक वाल में सुराख करेंगे, वहाँ पे वो फिल्टर लगाएंगे जो हमें रिक्वायर होगा। तो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली वही लाइट आएगी जो हमें रिक्वायर है, यानी अगर रेड फिल्टर है तो रेड कलर की लाइट ही आएगी। मैंने काफ़ी हार्डवर्क से सारी वीडियो प्रिपेयर की है, तो इतने हार्डवर्क के बाद कम अज़ कम एक लाइक तो वीडियो का बनता ही है। उसके साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें तो आपको इस तरह की दूसरी वीडियोस के रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा वेरिएबल जो होगा वो होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यूजुअली इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का तरीकाकार ये होता है कि आपका जो फोटो सेल है और जो आपका बल्ब है यानी लाइट का सोर्स, उनके दरमियान आप डिस्टेंस को चेंज करके इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंसिटी फॉलो करती है इन्वर्स स्केयर लॉ। इन्वर्स स्केयर लॉ क्या होता है कि अगर डिस्टेंस आप डबल कर देंगे इंटेंसिटी जो है वो आधी नहीं होगी बल्कि 1/4 हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो इस तरह से अब देखते हैं कि कैसे डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये हम आपके पास फोटो सेल है और ये आपके पास जो है लाइट का सोर्स है यानी बल्ब है। अब आप क्या करते हैं, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं इसको आप मूव करना शुरू कर दें टूवर्ड्स द सेल, और अगर आप इसको इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो आप इसको मूव करना शुरू करें अवे फ्रॉम द सेल। अगर आपने जो है वो डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया, इसका मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे है, अब मैं इसका डिस्टेंस डबल करके यहाँ ले जाऊँ, तो इससे होगा क्या कि जो इंटेंसिटी है वो इसकी 1/4 रह जाएगी पहले यहाँ वाली इंटेंसिटी के मुकाबले।
अब हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पैरामीटर्स जो हैं वो हमने देखने हैं, कि इनको तो हमने कंट्रोल नहीं करना है, इनको हमने स्टडी करना है। तो कैसे हम इनको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे? सबसे पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एमिट हो रहे हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते उस तरीके से कि आप गिनती शुरू कर दें 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रिलियंस में नहीं है बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये सर्किट लगाया हुआ है, यहाँ पे जो करंट गुजर रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा लें या चाहे बहुत ही सेंसिटिव एमीटर लगा लें, यहाँ से जो करंट गुजरेगा वो किस वजह से गुजरेगा, वो इस वजह से गुजरेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर यहाँ आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ करंट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ से यहाँ आने वालों की डबल हो जाए, तो यहाँ करंट भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह करंट से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। सेकंड पैरामीटर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताऊंगा इसके बारे में, कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसको कैसे मैयर करना है, आपने इसको मैयर करने के लिए आपको यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यूज मैयर करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ करंट जीरो हो जाए। उस पोटेंशियल को आप नाम देंगे, ये जो पोटेंशियल जहाँ होगा इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का। देखते हैं कैसे। सपोज ये इस तरह से सर्किट लगा हुआ है। अब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से अटैच है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा सम हो मिसप्लेस हो गया यहाँ पे, तो आपने इसको अटैच ही समझना है। अब आपने क्या करना है कि ये देख, यहाँ पे ये पॉइंट इस वक्त यहाँ पे है, और ये भी इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। ये वोल्ट मीटर जो है ये जीरो वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे, इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही होगी। तो अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दें इस तरीके से कि इस पॉइंट को हम मूव करना शुरू कर दें इस डायरेक्शन में, कैसे मूव करेंगे, इस पॉइंट को हम इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, तो इसके मूव करने से ये पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या कि ये पॉइंट ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा और ये रिलेटिवली पॉजिटिव होता जाएगा। जब यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा, लोअर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव होगा ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉन्स चूँकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज करेगा, लेकिन उस मोशन के अपोज से फौरन से यहाँ पे करंट में चेंज नहीं आएगी। शुरू में हम वोल्टेज को, इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट हमारा फिक्स रहेगा जो कि 1.5 माइक्रो एम्पीयर शो किया हुआ है यहाँ पे। तो अब आप पॉइंट मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहाँ पे करंट में कोई चेंज नहीं आ रही, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक पॉइंट के बाद आप यहाँ पे इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा और यहाँ पे करंट कम होना शुरू हो जाएगा, और आफ्टर सम मोशन ये जो है पोटेंशियल यहाँ पे इतना बढ़ जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ से यहाँ जाना मुमकिन नहीं रहेगा, और यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो हो ना, आपने वो पोटेंशियल मैयर कर लेना है। इस पोटेंशियल को आपने नाम देना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे वी नॉट के साथ, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो इस एग्जांपल में मैंने बताया वो कितना आया, 1.4 वोल्ट्स आया। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। देखते हैं कैसे। सपोज ये आपके पास फोटो सेल है, इसको जरा करीब से देख रहे हैं, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अमिट हुआ है। अभी जब यहाँ से ये अमिट हुआ है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हमने मैयर करनी है रिलेटिव टू दिस रेफरेंस लेवल, तो इस रेफरेंस लेवल के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या है, जीरो है। अब ये आगे मूव कर रहा है, पहुंच रहा है इसकी तरफ, और कुछ टाइम के बाद जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये तकरीबन जो है वो रुकने वाला होगा। यहाँ पर जाकर ये रुक गया है। क्यों रुक गया है? वो इसलिए कि करंट ज़ीरो इसलिए हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि यहाँ से इसके अंदर एंटर हो सकते, वो बिल्कुल जस्ट सरफेस पे जाके जो है वो स्टॉप हो गया और यहाँ से ये वापस आ जाएगा। इसी वजह से तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। और ये यहाँ तक क्यों पहुँच गया, अब आपके जहन में ये होगा कि आप पूछेंगे कि यहाँ से ही क्यों नहीं वापस चला गया। उसकी रीज़न ये है कि अभी आपने पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, जो ही करंट ज़ीरो हुआ है आपने उसी वक्त पोटेंशियल नोट कर लिया। तो ये अभी सरफेस तक जा रहा है, यहाँ पर जाके इसकी मोशन स्टॉप हो गई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, वी नॉट, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, तो
तो पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट ई के इक्वल। हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है इस इलेक्ट्रॉन की। हमें इंटरेस्ट है ये है कि जब ये निकला था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों क्वांटिटीज का टोटल और इन दोनों क्वांटिटीज का टोटल ये क्या होना है, ये सेम होना है, इसमें डिफरेंस नहीं हो सकता। तो जब ये दोनों टोटल सेम है तो इसका मतलब है यहां क्या होना चाहिए, यहां भी वी नॉट ई आएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, हम वी नॉट ई का फार्मूला यूज करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हम फिर फाइंड कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करके। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी हमें आइडिया हो गया, वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, कैसे क्रांट से, और पहले दो पैरामीटर्स को कंट्रोल कैसे करना है उनके बारे में भी बता दिए। अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पे कि जब ये सारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या रिजल्ट्स मिले। तो नंबर वन रिजल्ट जो था वो ये था कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी एक खास वैल्यू से कम है तो इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, इन दैट केस कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अमिट नहीं होने वाला और करंट जो है वो आपका जीरो ही रहेगा। इसको हम ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं। तो सॉरी, ग्राफ से पहले ये बता दूं आपको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड करती है मेटल टू मेटल, हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। अगर आप वो मेटल यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ देती है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम होनी है। अगर आप वो मेटल यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है इतनी इजीली, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एनीवेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो भी है, अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम आपने अप्लाई की लाइट की, तो मेटल से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला, चाहे इंटेंसिटी कोई भी हो। ये सबसे पहला रिजल्ट था जो कि क्लासिकल थ्योरी जो थी वेव थ्योरी की प्रिडिक्शन उसके बिल्कुल एंटी आया। अब अगर मैं सारे रिजल्ट्स आपको इसी तरह से बताऊं ना पैराग्राफ की फॉर्म में तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसको ना टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता हूं। तो फर्स्ट नंबर पे अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे कम है तो क्रांति कोई नहीं है। जब क्रांति कोई नहीं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से मकसद ये है कि ये तो सिचुएशन हमने सॉल्व कर ली, हमें समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ नॉट होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जो दूसरा केस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई की है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो तब क्या होगा। तब ये होना है कि जो आपके दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर रख लें, एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हैं आपके इंडिपेंडेंट और आपने इनका इफेक्ट किस पर स्टडी करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आप क्या करें, फ्रीक्वेंसी आप कांस्टेंट रख लेते हैं, आप इंटेंसिटी को वेरी करते हैं। तो उससे जो चीज ऑब्जर्व हुई वो ये थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी होंगे इंटेंसिटी के वेरी होने से, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वही रहेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी इंटेंसिटी चेंज करने से अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हुई। उसी तरह से अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख देते हैं तो फ्रीक्वेंसी को जब चेंज करेंगे तो सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे। तो सादा लफ्जों में इसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ है और इसका ताल्लुक सिर्फ इसके साथ, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कब, जब फ्रीक्वेंसी एफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो हम समराइज करते हैं अपने रिजल्ट्स को। सेकंड रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। थर्ड रिजल्ट हम लिखेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करेगी अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये भी तब होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, वरना तो करंट होना ही नहीं, जैसे शुरू में बता दिया आपको। फोर्थ नंबर पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे आप कोई भी इंटेंसिटी अप्लाई कर दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही रहनी है, उसमें चेंज नहीं आनी, वो सिर्फ डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नंबर फाइव पे
करंट यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिलेशन किसके साथ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंस नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर सिक्स पे जो के क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आया उसकी प्रेडिक्शन के, वो ये था कि जब लाइट आके मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने में एक नैनो सेकंड का भी डिले नहीं लगता होता और फौरन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी जो वेव थ्योरी की प्रेडिक्शन है उसके बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन करना है इन्हीं रिजल्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो शुक्रिया आपका, आपने वीडियो देखी। अल्लाह हाफिज़।